हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सोलर किलोवाट फॉर होम, मीन्स के हमारे घर के लिए कितना किलोवाट का सोलर लगवाना चाहिए उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। और हम आगे बैटरी एंड इन्वर्टर की साइज क्या रखनी चाहिए उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्पफुल जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। इतना किलोवाट का सोलर लगवाना चाहिए वो घर का लोड पे डिपेंड है, मीन्स कि हम पहले घर का लोड कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से हम सोलर का किलोवाट है वो हम सेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम पहले घर का लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डेटा पहले से लिखा है क्योंकि आपका टाइम है वो ज़्यादा ख़राब ना हो इसके लिए। यहाँ पर जो फर्स्ट बॉक्स में आप इक्विपमेंट लिखेंगे, मीन्स कि आपके घर में जो जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वो आप फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। सेकंड बॉक्स में उसकी कैपेसिटी, मीन्स के वो कितना वोट का है वो आप सेकंड बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ पे आवर्स एवरेज, मीन्स के आप जो भी इक्विपमेंट है उसको आप कितने घंटे के लिए ऑन रखते हैं, जो 24 आवर्स मीन्स के एक दिन में कितने घंटे के लिए ऑन रखेंगे वो यहाँ पे थर्ड बॉक्स में लिखेंगे। और फोर्थ बॉक्स में उसका टोटल हम करेंगे। यहाँ पे अपने हिसाब से आपके घर में जो भी लोड है, यहाँ जो मैंने फैन दो लिया है, LED बल्ब है जो 4 लिया है, TV एक ली है और प्रेस हमने एक ली है, यहाँ पे मैंने 4 ही लोड यहाँ पे दिखाया है क्योंकि जो कैलकुलेशन हो इजी हो और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने 4 ही लोड लिया है। आप अपने हिसाब से अपने घर में जो भी लोड है वहाँ पे लिख सकते हैं, उसकी कैपेसिटी हो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और कितने घंटे के लिए आप ऑन रखते हैं, जो यहाँ पे आप कितने घंटे के लिए ऑन रखेंगे यहाँ पे थर्ड बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसका टोटल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे घर में कितना लोड है। यहाँ पे जो फर्स्ट है जो फैन है तो उसकी कैपेसिटी 60 वोट है और 15 घंटे के लिए हम ऑन रखेंगे, तो उसका टोटल क्या हुआ 1800 वोट पर आवर हुआ। सेकंड हमने लिया जो 4 बल्ब भी है, 4 LED बल्ब भी है, उसका जो यहाँ पे कैपेसिटी 10 वोट की, उसको हम 8 घंटे के लिए ऑन रखेंगे, तो उसका टोटल कितना हुआ 320 वोट पर आवर हुआ। थर्ड हमने लिया जो TV है उसको हम 5 घंटे के लिए ऑन रखेंगे, उसकी कैपेसिटी जो 50 वोट है तो उसका टोटल क्या हुआ 250 वोट पर आवर हुआ। फोर्थ यहाँ पे जो प्रेस है उसको हम 1 आवर के लिए ऑन रखेंगे, मीन्स के 1 घंटे के लिए हम 24 आवर्स में ऑन करेंगे, तो उसकी कैपेसिटी जो 1000 वोट है तो यहाँ पे कितना हुआ 1000 वोट पर आवर हुआ। यहाँ पे हम उसका टोटल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमने 4 लोड है यहाँ पे हमने दिखाया है उसका टोटल हमने यहाँ पे किया है, उसका हम प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारा घर में पर डे कितना लोड कंजप्शन होता है वो यहाँ पे टोटल आएगा। जो यहाँ पे हमने टोटल किया है जो 3370 वोट पर आवर है, जो पर डे हमारी जो एनर्जी है जो कंजप्शन होती है जो 3370 वोट पर आवर है, तो हमको कितना किलोवाट का सोलर लगवाना चाहिए उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। यहाँ पे टोटल क्या हुआ 3370 वोट पर आवर हुआ। यहाँ पे हमने 4 ही लोड है जो दिखाया है, मीन्स के 2 फैन, 4 LED बल्ब, 1 TV और 1 प्रेस ही दिखाया है। अगर मान लो कि आपको भविष्य में और भी लोड कनेक्ट करना है, और भी लोड है आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारी जो सोलर पैनल है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमने पहले से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो 630 वोट पर आवर है हमने एक्स्ट्रा अलग ऐड किया है। तो क्या हुआ टोटल 3370 प्लस 630 से हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो हमारा टोटल लोड कितना हुआ 4000 वोट पर आवर हुआ। मीन्स के एक दिन में हम 4000 वोट पर आवर है जो हमारी एनर्जी है जो कंजप्शन होती है, तो उसको हम पहले किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल इक्वेशन है, जो 4000 वोट पर आवर है उसके अपन यहाँ पे 1000 का हम भाग लगा देंगे तो क्या होगा यहाँ पे 4 किलोवाट पर डे, मीन्स के एक दिन में आप 4 किलोवाट है जो एनर्जी है जो कंजप्शन होती है, तो उस हिसाब से हमारी सोलर पैनल है तो कितना किलोवाट की कनेक्ट करनी चाहिए उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जनरली 1 किलोवाट की सोलर पैनल है जो 5 से 6 किलोवाट पर डे, मीन्स के 5 से 6 यूनिट पर डे है जो एनर्जी है जो प्रोड्यूस करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे हमने एवरेज ली है, मीन्स के जो गर्मी की सीजन होगी वहाँ पे जो 1 किलो की सोलर पैनल है वो ज़्यादा किलोवाट है जो प्रोड्यूस करता है। अगर मान लो कि सर्दी की सीजन है वहाँ पे जो 1 किलो की सोलर पैनल है जो कम किलोवाट है जो जनरेट करता है। यहाँ पे मैंने एवरेज ली है, जो 1 किलोवाट की सोलर पैनल है वो एवरेज है जो 5 से 6 किलोवाट पर डे है जो एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है। उस हिसाब से आपका जो लोड है जो 4 किलोवाट पर डे, मीन्स के एक दिन में आप 4000 वोट पर आवर से जो इक्विपमेंट है जो एनर्जी कंजप्शन करता है, तो वहाँ पे 1 किलोवाट की सोलर पैनल है आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं।
अगर आपका लोड है जो भविष्य में एक्स्ट्रा यूज़ करना है, मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा लोड है, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट है वो आप यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे 1.5 किलोवाट की सोलर पैनल है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको बैटरी एंड इन्वर्टर की साइज़ क्या रखनी चाहिए उसका भी कैलकुलेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि हम घर में कितना किलोवाट की सोलर पैनल है जो इंस्टॉल करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट एंड लाइक हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।